नमो नमः बच्चों, आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ संस्कृत दीपिका भाग 3 का पार्ट 2, यानी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2, अभ्यासेन किम न सिद्ध्यति। अभ्यास यानी प्रैक्टिस से क्या नहीं हो सकता, मतलब क्या पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिस से सब कुछ हो सकता है। प्रैक्टिस से आप कुछ भी चीज़ लर्न कर सकते हो, कुछ भी चीज़ सीख सकते हो, उसी के बारे में चैप्टर है। लेट्स स्टार्ट। शशांक और सुधांशु के बीच में बात हो रही है। शशांक कह रहा है, वो वैश्य अपने मित्र से कह रहा है, हे मित्र, त्वम किम करोषि, तुम क्या करते हो। सुधांशु कहता है, मित्र, अहम एतत् गीतम स्मरामि, मैं यह गीत याद करता हूँ। एतत् का मतलब है यह गीत, स्मरामि याद करता हूँ। परम किम करवाणी, लेकिन क्या करूं। अहम वारम वारम एतत् विस्मरामि, मैं बार बार यह भूल जाता हूँ। विस्मरामि मतलब भूल जाता हूँ। शशांक कहता है, अलम चिंतया, चिंता मत करो, त्वम निरंतरम गीतम स्मरा, तुम निरंतर लगातार गीत याद करते रहो। निरंतर अभ्यासेन लगातार अभ्यास से त्वम एतत् स्मरिष्यसि, तुम इसे याद कर लोगे। बार बार अगर हम किसी चीज़ को लर्न करते हैं तो एक दिन वो हमें याद हो ही जाती है। सुधांशु कहता है, कथम कैसे। शशांक कहता है, निरंतर अभ्यासेन मूर्खः बोपदेवः अपि प्रसिद्धः विद्वान अभवत्। लगातार अभ्यास से मूर्ख बोपदेव भी, मूर्ख बोपदेव अपि मतलब भी, प्रसिद्ध विद्वान बना। कह रहे, बार बार जो बोपदेव था वो एक मूर्ख बच्चा था, लेकिन उसने इतनी प्रैक्टिस की, बार बार प्रैक्टिस की, और वो बार बार प्रैक्टिस करने से बड़ा होकर एक विद्वान बना। किम त्वम तस्य कथाम ना अश्रणो, क्या तुमने उसकी कथा नहीं सुनी है। ना तो नहीं तो कृपया ताम कथा श्रावय, कृपया तुम कथा सुनाओ। कहता है, अगर तुमने सुनी है तो तुम मुझे सुना दो। शशांक कहता है, अवश्यमेव, अवश्य ही, सुनो। श्रेणु मतलब सुनो। पुरा कस्मिश्चित आश्रमे अनेके छात्राः अध्ययनं कुर्वन्ति स्म। पुरा यानी प्राचीन काल में, कस्मिश्चित यानी किसी आश्रम में, आश्रमे मतलब आश्रम में अनेक बच्चे अध्ययन करते थे। एक आश्रम में बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा, ध्यान से सुनो। तस्मिन् आश्रमे, उस आश्रम में बोपदेवः नाम एकः मंदमति छात्रः आसीत्। उस आश्रम में बोपदेव नाम का एक मंदमति मतलब कम बुद्धि वाला छात्र था। आसीत मतलब था, अस्ति मतलब है। सह यत पठती, वह जो पढ़ता था, स्म मतलब था, वह जो पढ़ता था, तत् विस्मरति स्म, वह भूल जाता था। वो जो बोपदेव है, बोपदेव एक बच्चा था, वो इतना मूर्ख था, वो जो भी लर्न करता था वो तुरंत भूल जाता था। बोपदेवस्य सहपाठिनः तस्य उपहासं कुर्वन्ति स्म। बोपदेव के सहपाठी यानी क्लासमेट्स तस्य उसका उपहास मजाक उड़ाते थे, मजाक करते थे, मतलब उसका उपहास करते थे, उसको मॉक करते थे कि वो पढ़ता नहीं है, मतलब जो भी पढ़ता है वो भूल जाता है। सः सर्वदा परीक्षायाम् असफलः भवति स्म। वह हमेशा, सर्वदा मतलब है हमेशा, परीक्षा में असफल होता था, परीक्षा में हमेशा फेल हो जाता था। एकदा तस्य गुरु, एक बार उसके गुरु निराशः भूत्वा, उसके गुरु ने निराश होकर तम अकथयत यह कहा, वत्स बेटा बोपदेव, अहम् पश्यामि यत् त्वं पठितम् पाठम किंचित अपि ना स्मरसि। तो गुरुजी कहते हैं बोपदेव से, बेटा बोपदेव, मैं यह देख रहा हूँ, यत मतलब कि, मैं यह देख रहा हूँ कि तुम जो भी पाठ पढ़ते हो,
किंचित अपि उसे थोड़ा भी याद नहीं रखते हो। किंचित अपि मतलब थोड़ा भी, न स्मरसि याद नहीं रखते। त्वं तव चित्तं पठने न रमति, तुम्हारा मन, चित्त मतलब मन, पढ़ने में नहीं लगता, तुम्हारा मन पढ़ने में नहीं लगता। अतः त्वं स्वगृहं प्रति गच्छ, अतः इसलिए तुम अपने, स्व का मतलब अपने, गृहं मतलब घर की ओर, प्रति मतलब की ओर जाओ। तो गुरुजी से नाराज हो गए और गुरुजी कह रहे हैं तुम्हारा पढ़ने में तो दिल लगता नहीं और तुम कुछ पढ़ते भी नहीं हो, तो तुम अपने घर वापस जाओ। त्वं स्वजी को स्वजीवी को पार्जनाए, तुम अपने जीवन, अपने जीवन के लिए मतलब कुछ ना कुछ कार्य तो करना ही है ना, तो अपने जीव को पार्जनाए के लिए अन्य कार्य करो, मतलब अपने जीविका के लिए कोई और कार्य करो जिससे तुम कुछ कमा सको, जिंदगी में कुछ हासिल कर सको, तुम कोई और काम करो, तुम यहाँ से जाओ, गुरुकुल से जाओ। आत्मसम्मानेन वंचितः बोपदेवः अचिन्तयत्, नूनम अहम मूर्खः अस्मि। अब उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी, सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी खत्म हो चुकी थी क्योंकि उसको गुरुकुल से निकाला जा चुका है। तो आत्मसम्मान से वंचित वो बोपदेव सोचता है, अचिंतित मतलब सोचा, बोपदेव ने सोचा नूनम निश्चित ही अहम मूर्खः अस्मि, मैं ही मूर्ख हूँ। वो सोचता है मैं ही एक बेकार बच्चा हूँ, मैं ही एक मूर्ख बच्चा हूँ। मम भाग्ये विद्या नास्ति, मेरे भाग्य में विद्या नहीं है, मैं पढ़ लिख नहीं सकता। गृहम गच्छन घर जाकर बोपदेव, गृहम गच्छन बोपदेवः मार्गे एकम कूपम अपश्यत, घर जाते हुए बोपदेव ने रास्ते में एक कुआं देखा। कूपम मतलब है कुआं, अपश्यत मतलब देखा। सह पिपासितः आसीत, वह प्यासा था। पिपासितः मतलब प्यासा, अतः इसलिए जलम पातुम सह कूपस्य समीपम अगच्छत। इसलिए, अतः का मतलब होता है इसलिए, जलम पातुम जल पीने के लिए सह कूपस्य वह कुएं के पास गया। तत्र एका महिला कूपात जलम निष्कास्यति स्म, तत्र मतलब वहाँ, एका मतलब एक, महिला कुएं से, कूपात में है पंचमी विभक्ति एकवचन, कुएं से जल निष्कास्यति निकाल रही थी, स्म मतलब थी। सहसा तस्य दृष्टि कूपस्य गर्तोपरि अपतत, उसकी दृष्टि, तो वो बच्चा कुएं की तरफ देखता है, उसकी दृष्टि, उसकी नजर कुएं की तरफ कूपस्य गर्तो परी अपतत, कुएं के ऊपर पड़ती है, तो वो देखता है रज्जावकर्षणे, रज्जा मतलब रज्जू कहते हैं रस्सी को, रस्सी के आकर्षण से कूपस्य प्रकार शीर्षे गर्तः अभवत। गर्तः कहते हैं गड्ढे को, कुएं जो रस्सी है, रस्सी को बार बार खींचने की वजह से कुएं की जो मुंडेर होती है, कुएं की जो वॉल होती है चारों तरफ की, वहां पर एक निशान पड़ चुका था रस्सी की वजह से। तो जब उसकी दृष्टि उस गड्ढे में पड़ती है, जो कुएं के ऊपर जो गड्ढा हो चुका था उसको देखता है वह, तो वो देखता है रज्जु रज्जाकर्षण यानी रस्सी के आकर्षण से, रस्सी के बार बार खींचने की वजह से कुएं के मुंडेर पर एक क्या हो गया, गड्ढा हो गया है। एतत् दृष्ट्वा यह देखकर सह अचिंत्यत, उसने सोचा यदि अतीव कोमल रज्जावकर्षणे प्रस्तरे अपि गर्तः अजायत, यदि अति कोमल रस्सी से, इतनी कोमल रस्सी से पत्थर पर भी, प्रस्तरे मतलब पत्थर, पत्थर अपि मतलब भी, पत्थर पर भी गड्ढा अजाय, गड्ढा हो गया। कहता है रस्सी इतनी कोमल होती है, उसने जब इतने कठोर पत्थर पर गड्ढा कर दिया, तरही पुनः पुनः अभ्यासेन मम बुद्धि अपि कथम न तीव्रा भविष्यति। तो बार बार अभ्यास से, पुनः पुनः मतलब बार बार अभ्यास से मेरी बुद्धि क्यों नहीं तेज हो जाएगी। तो वो सोचता है जब एक रस्सी
एक पत्थर के ऊपर गड्ढा कर सकती है, और मैं अगर मैं बार बार अभ्यास करूं तो मेरी बुद्धि भी तो तेज हो सकती है। एतत् विचार्य ऐसा सोचकर सह पुनः गुरो सकाशम अगच्छत। वह दोबारा, पुनः का मतलब दोबारा, गुरु के समीप गया, अपने गुरु के पास वापस जाता है। बोपदेवम पुनः आश्रमम विलोक्य, बोपदेव दोबारा आश्रम पहुंचा, गुरु तस्य आगमनस्य कारणम अपृच्छत्। गुरु ने उसके, तस्य मतलब उसके आने का कारण पूछा। बोपदेवः सर्वं वृत्तांतं निवेद्य। बोपदेव ने सारा वृत्तांत बताया कि मैंने ऐसे ऐसे एक रस्सी और कुएं को देखा। वो सारी स्टोरी बताता है जो जो उसके माइंड में आई है। गुरो विश्वासम अर्जितवान, और गुरु का विश्वास उसने जीत लिया। गुरु को लगता है कि ठीक, अब ये ज्यादा कॉन्फिडेंट है और ये ऐसा कह रहा है कि ये कर लेगा तो ये कर सकता है, उसको एक चांस देना चाहिए। तदा तब आश्रमे सततम अभ्यासेन अनवरत परिश्रमेण च सह महान विद्वान अभवत्। आश्रम में सच्चे अभ्यास और सच्ची लगन और मेहनत से, सततम मतलब हो गया सच्ची, अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करना, अनवरत मतलब लगन, और परिश्रमेण मतलब मेहनत, सच्ची लगन और मेहनत से वह महान विद्वान हुआ। वह एक महान आदमी बना, एक बड़ा होके बहुत बड़ा राइटर वो बना, जिसने बहुत बड़ी बुक्स, बहुत फेमस बुक्स भी लिखी, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। एवं कालेन सह संस्कृतस्य पंडितः भूत्वा, समय के साथ वह संस्कृत का पंडित बन गया। सह पाठिनां गुरुजनानां च स्नेह पात्रम अभवत्। समय के साथ संस्कृत का पंडित बनकर उसने सहपाठियों का, अपने क्लासमेट्स का और गुरुजनों का स्नेह बटोरा, स्नेह का पात्र बना वो सबके लिए। सबने उसको खूब प्यार किया क्योंकि अब वो एक बहुत बड़ा संस्कृत का पंडित बन चुका है, और उसने बहुत पढ़ाई की, बहुत लगन से उसने सब कुछ किया, और अब वो कुछ अच्छा, कुछ एक बहुत बड़ा विद्वान बन गया। कौन है वो विद्वान? एषः विद्वान वरदराज नामना प्रसिद्ध अभूत। यह विद्वान वरदराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। वरदराज संस्कृत व्याकरण, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण की बुक लिखी जिसका नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी। महान पंडित वरदराज लघु सिद्धांत कौमुदी नाम संस्कृत व्याकरणस्य पुस्तकम् अरचयत्। इन महान पंडित वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी नाम की एक संस्कृत व्याकरण की पुस्तक लिखी। संपूर्ण संस्कृत साहित्य च अप्रसिद्ध अभवत, और पूरे संस्कृत साहित्य में ये प्रसिद्ध हो गए। तो बुक पक देख लेते हैं। कस्मिश्चित आश्रमे डैश छात्रः अध्ययनं कुर्वन्ति स्मः। किस आश्रम में, ओ कस्मिश्चित आश्रमे, किसी आश्रम में डैश छात्रा अध्ययन करते थे। किसी छात्र, किसी आश्रम में कौन अध्ययन करते थे? अनेकः, अनेके, अनेकः, अनेकानि, क्या होना चाहिए? अनेकः छात्रा। आश्रमे बोपदेवः नामा एका मंदमती, मंदमती छात्रा। ये क्या है? सिंगुलर है, एकवचन है। ये क्या है? छात्रा, ये तो स्त्रीलिंग है, और मंदमती कौन, ये पुल्लिंग है तो ये नहीं आएगा, ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग तो ये नहीं आएगा। ये क्या है? द्विवचन है, और ये एकवचन है तो ये नहीं आएगा। ये क्या है? ये बहुवचन है और ये एकवचन है, इसलिए ये भी नहीं आएगा। तो बचा क्या? छात्रा, मंदमती छात्रा। सह सर्वदा परीक्षायाम डैश भवति। परीक्षा में वो हमेशा क्या होता था? असफल, असफला, असफलम, असफले, क्या होता था? सहस, वह हमेशा परीक्षा में असफल होता था। अब देखो, आपको नहीं भी यहाँ समझ में आएगा, आप अपने चैप्टर में फाइंड आउट कर सकते हो। ये मंदमती छात्र भी है चैप्टर में, अनेकः भी है, असफलम भी है, आत्मसम्मानेन वंचिता, ये सब आप अपने चैप्टर में से फाइंड आउट करके खुद फिल कीजिएगा। एक पदेन उत्तरत, छात्रः कुत्र अध्ययनं कुर्वन्ति स्म, बच्चे कहाँ अध्ययन करते थे? आश्रमे, आश्रम में।
बोपदेवः कीदृशः छात्रः आसीत्? बोपदेव कैसा बच्चा था? मंदमती, कम बुद्धि वाला। के तस्य उपहासं कुर्वन्ति स्म, उसका उपहास किसने किया? सहपाठिना, क्लासमेट्स ने। बोपदेवः मार्गे किम अपश्यत्? बोपदेव ने मार्ग में क्या देखा? कूपः, उसने क्या देखा? एक कुआं देखा, कूपम आएगा। बोपदेवः जलम पातुम कस्य समीपम आगच्छत्? बोपदेव जल पीकर किसके पास आया? गुरु, गुरु समीप, जल पीने के लिए कस्य समीपम, ये एक बार चैप्टर में देख लेते हैं, यहाँ किसके पास जल पीने के लिए किसके पास गया वो? ये देखो, जल पातुम, जल पीने के लिए, मैं रेड से मार्क कर रही हूँ तो आपको दिखेगा। ये रहा। सह पिपासित आसीत, वह प्यासा था, अतः इसलिए जल पातुम, जल पीने के लिए सह कूपस्य समीपम अगच्छत्, वह किसके पास गया? कुएं के पास गया। इसको नहीं कॉपी करना है आपको, कूपस्य, कुएं के पास गया। बोप, ये क्वेश्चन आंसर्स आपको चैप्टर में मिल जाएंगे। बोप देवः किम विस्मरति स्मः, बोप देव क्या भूल जाता था? गुरु निराशः भूत्वा बोप देवं किम अकथयत्, गुरु ने निराश होकर बोप देव से क्या कहा? क्या कहा था? कि तुम घर चले जाओ। आत्मसम्मानेन वंचिता बोप देवा किम अचिंत्यत, आत्मसम्मान से वंचित, आत्मसम्मान से रहित बोप देव ने क्या सोचा? उसने क्या सोचा? कि मैं ही मूर्ख हूँ, अहम मूर्ख अस्मि, मम भाग्ये विद्या नास्ति। कूपस्य प्रकारशीर्षे गर्ता कथम अभवत्, कुएं के मुंडेर पर गड्ढा कैसे हो गया था? रज्जावकर्षणे, कैसे हुआ था? रज्जू के आकर्षण से, रस्सी के दबाव से। गर्तः दृष्ट्वा सः किम अचिन्त्यत, गड्ढे को देखकर उसने क्या सोचा? उसने क्या सोचा? जब इतनी कोमल रस्सी से पत्थर पर गड्ढे हो गए, तो मैं बार बार प्रैक्टिस से मेरी बुद्धि क्यों नहीं तेज हो जाएगी? चलिए, आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।